ले रहे हो, कब ले रही हो भाई? देखो यार, एक 14 टैरी नहीं है, मैंने ले ली 2 टैरी। चैनल तो गाइस सुबह के 11 बज चुके हैं भाई, अभी अभी उठा, मुंह हाथ भी नहीं धोया और भाई सीधा व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं से कंटिन्यू, मतलब चित्तौड़गढ़ से ही कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। और सॉरी भाई, पिछला सफर मैं नहीं दिखा सका, वो भी रीजन था भाई। तो व्लॉग में बने रहिए, बाद में आपको बताएंगे कहाँ थे और व्लॉग क्यों नहीं किया। और गाइस रात को ना 3:30 बजे मैं छोटू भाई के पास पहुँचा भाई, गाड़ी लोड करके इंदौर बाईपास में मेरा वेट ही कर रहा था। तो मैं रात को गाड़ी से ही आया इनके पास और वहाँ से गाड़ी मैंने ड्राइव की, बार्डर से पहले ही मैंने इनको गाड़ी दी और मैं सो गया और अभी उठा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई सुबह सुबह। और यहाँ देख रहे हो, खाने के बजाय ना ये बंदे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और यहाँ देख रहे हो क्या लोड किया गाड़ी में आपने, और ये बीए कहाँ से आया भाई? देख रहे हो, और अपनी गाड़ी में केला लोड हो चुका है, केला लोड करके हम वापस जा रहे हैं श्रीनगर। मतलब ये चक्कर ना बहुत ज़्यादा जल्दी लग गया हमारा। और गाइस ऊपर से ना आंखों में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी चली गई, क्योंकि भाई कल अपने भाई के साथ ना मैं 160 किलोमीटर बाइक से गया। जब हमने गाड़ी लोड की थी बांग्लादेश के लिए, तब से हमारी गाड़ी के ना कुछ पैसे बचे हुए थे ट्रांसपोर्टर के पास, तो वो पैसे लेने गए थे कल उधर, मतलब वहाँ बिजी रहे तो गाड़ी में लोड करने नहीं गया, इसलिए व्लॉग भी नहीं किया। भाई देख रहे हो सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं, सभी गाड़ी को चलान हो रहा है। शुक्र रब का कि हमें चलान हो चुका है ऑलरेडी। मैं सोया हुआ था और छोटू भाई को इन्होंने चलान कर दिया। चलान तो अपना बनता नहीं था क्योंकि अपनी गाड़ी में आपको पता भी हाइट वगैरह जाती नहीं है। तो गाइस दिन के 3 बजने वाले और भाई अपना बादशाह यहाँ पे कर लिया पार्क, और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था ना, ब्रेकफास्ट वगैरह की थी तो यहाँ पे कर लिया पार्क। और यहाँ रहा ढाबा भाई, इस ढाबे पे चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि भाई खाना भी नहीं खाया और ना बनाया आज, ऊपर चलना नींद बहुत ज़्यादा। पहले चलता हूँ वहाँ मुँह धो लेता हूँ, मुँह धो के फिर खाना खाते हैं। तो गाइस राजस्थान में ना आपको ज़्यादा घोड़ा गाड़ी दिखेगी, देख रहे हो भाई सिर्फ घोड़ा गाड़ी मैक्सिमम यहाँ, मतलब जो भी भाई है ना सारा पत्थर का काम है, टाइल का काम है, सबसे ज़्यादा यहाँ घोड़े वाले गाड़ी है। तो गाइस अपना ड्रोन वगैरह निकाल लिया, देख रहे हो इसको चार्ज वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आज ना फिर उड़ाने की प्रैक्टिस करेंगे, कहीं रुकेंगे ना 5-10 मिनट छोटे उड़ाएंगे, देखेंगे भाई कितना दूर। वीडियो वगैरह तो हमें बनाना नहीं आता, और बैग वगैरह भी निकाल लिया। और गाइस ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई, लास्ट टूल रह गया, ठीक है इसके बाद कोई टूल नहीं आएगा बराबर किशनगढ़ तक। अपने आगे आगे ना एक केले की गाड़ी भी जा रही है, कश्मीर की गाड़ी है। और गाइस व्यू चेक कर रहे हो भाई, एक नंबर हो चुका है भाई। अपना लंच वगैरह कर लिया, आज ब्रेकफास्ट तो मैंने किया ही नहीं क्योंकि गाइस मैं सो गया था। तो और चेक करो गाइस अपनी गाड़ी में ना बिल्कुल हाइट नहीं है, फिर भी 2000 का चलान, ग्रीस हो गई फुल, अच्छे से निकाली ना लाल वाली ग्रीस भाई, देख रहे हो। ये रहा अपना गुजराती होटल सागर, इस पे ना मतलब जब भी आ रहे हो ना ये भाई ना ग्रीस एक नंबर भाई, रेड कलर की ग्रीस बहुत अच्छा। छोटे भाई भाई को पेमेंट करो, जो उस्ताद से ले लो। तो यहाँ देख रहे हो भाई, कोई भाई ना घोड़े की चेसिस वगैरह लेके जा रहा है, देख रहे हो। मतलब राजस्थान ऐसी जगह है ना जहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी भाई आपको, और ख़ास करके रावतसर में। नींद लगा रहा है, मुझे पता था ऐसे ही कर रहा है, देख रहे ऐसे दोस्तों, मैं वीडियो शूट कर रहा था ना ऐसे दोस्तों, देख मुझे पता था ये उंगली करेंगे। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया से, ठीक है। वाले नीचे उतर मिलते हैं, मैंने वो वीडियो लगाई ना, मैंने बोला वीडियो में देखना दोस्त कितना कमीने होते हैं, मुझे सोने नहीं देंगे। सच में यहाँ ना ठंड फील हो रही थी, और फाइनली भाई दौड़ दौड़ के ना अपने भाइयों को पकड़ लिए, हमारे से ना एक दिन पहले ही निकले थे, ठीक है। दौड़ दौड़ के अपने भाइयों के पास पहुँच के, सलीम भाई एक बार फिर से मिलो, बढ़िया से, ठीक है। आप ना मुझे घटिया घटिया लोगों से मिलाया ना करो, ठीक है ये पहले ही बोल देता हूँ। और ऐसे ऐसे कमेंट करते रहते हैं ना कि राजा भाई 14 टैरी कब ले रहे हो, कब ले रही हो? भाई देखो यार, एक 14 टैरी नहीं है, मैंने ले ली 2 टैरी, देख रहे हो, 2 सेम सेम भाई, देख रहे हो क्या बात है, क्या बात, सेम सेम भाई, बिल्कुल सेम, ठीक है। बट अफसोस की बात है ये मेरी नहीं है, ये साबिर भाई और सलीम भाई की गाड़ी है। मुबारक है भाई, पार्टी वार्टी कब है गाड़ियों की? बस जल्दी देंगे, अल्लाह कामयाबी दे मेरे भाई को। तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहेगी कि तीसरी भी वहाँ पर खड़ी करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलना ना फिर, रिज़ाइन दे दो, रिज़ाइन गाड़ी उससे, तू भी रिज़ाइन दे दे। तो माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे भाई, देख रहे हो अपने पास ना ले लैंड, क्या बात है, नई वाली गाड़ी जो ले लैंड ये वाली है ना भाई, इस गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा जाना है, सेम कलर, बिल्कुल सेम भाई, देख रहे हो
क्या बात है, क्या बात है। और नंबर सेम लगवाने थे ना सलीम भाई। तो चलो भाई पहले होटल पे चलते हैं, चाय पी लेते हैं। गुजरात वाला होटल है ना, पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस पी ली चाय भाई, चाय पी के ना एकदम फ्रेश हो गए और चलो भाई निकलते हैं। अब तीनों गाड़ियाँ ना एक फ्रेम में कितनी अच्छी लग रही हैं भाई, ठीक है। आज ना मेरा मन कर रहा है कि यार लीलैंड गाड़ी ना बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी लुक देखो ना, कितनी सेक्सी लग रही है। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें बैठ के क्यों ना एक्सपीरियंस किया जाए, ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ मैं आपके साथ बैठता हूँ। तो चलो भाई थोड़े ड्रोन शॉट वगैरह लेने की ट्राई करते हैं। देखो मुझे आता नहीं है इसको उड़ाना, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। एक बार पहले किया था, एक दूसरी बार। तो आज वीडियो शूट करने का सिस्टम देखेंगे, वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। शूट भाई 5 मिनट देखते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई अभी स्टार्ट ही नहीं किया था, ये पहले ही क्रैश हो गया, ठीक है। तो चलो पहले करते हैं ट्राई आज उड़ाने की इसको, ठीक है। ये पहले टूटा हुआ है, चलो भाई क्या लगता है अभी उड़ाया नहीं, पहली बार उड़ा रहा हूँ भाई, पहली बार उड़ा रहा हूँ। फोन वगैरह हमने कनेक्ट कर लिया, ड्रोन वहाँ पर रख लिया। छोटे भाई इसको खोलो, ऐप ओपन करो, एक मिनट ऐप ओपन करो। ड्रोन वगैरह तो उड़ा लिया भाई, बट शॉट नहीं ले सके, सॉरी इसके लिए। अभी सीखेंगे भाई से, ठीक है, उसके बाद शॉट वगैरह दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, आराम आराम से सलीम भाई के साथ ही मैं चलूंगा, क्योंकि सलीम भाई ने बोला राजा भाई मेरे साथ ही। चलो जी मैं बैठा हूँ सलीम भाई के पास। लीलैंड में ये वाली चीज़ बड़ी मज़ेदार है भाई, देख रहे हो बारी खोली तो चलो ऊपर। कैसा लग रहा है आपको, पहली बार आ रहे हो ट्रक के साथ? मत आओ यार, घर में कुछ और काम करो। सलीम भाई का भाई है छोटा, और मैंने ये चीज़ बोली कि भाई इसको गाड़ी के साथ मत लाओ यार, क्योंकि आज ना ये बेकार काम है। तो अपनी दोनों गाड़ी आगे के चल रही हैं, अपने साबिर भाई और छोटू आगे के चले गए। मैं तो भाई के साथ बहुत सारी बातें की, कम से कम 1.5-2 महीने बाद मिल रहे हैं हम, काफ़ी टाइम से मिले, जब से इसने 14 चक्की ली है ना तब से ये फरार है भाई। तो आज से इसकी जिद आ गई, राजा भाई 14 चक्की लेनी तो लेनी है भाई। देखो यार मेरा सारा प्रोसेस बाहर का है, लेकिन ऐसा कुछ घर की प्रॉब्लम है ना जिसकी वजह से मैं पीछे पीछे पीछे। रात के 10 बज चुके हैं भाई और हम पहुँच चुके हैं लाडनू, ये जगह का नाम है ना। सबसे पहले ये बात बताओ कि फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो लेट आएगी मेरी, लेकिन आज ना सारे डर चुके हैं क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम उड़ गया सबका भाई। कोई बात डरने वाली बात नहीं है, वापस आएगा, जाएगा कहीं नहीं। यूट्यूब नहीं उड़नी चाहिए, तो बाकी और यहाँ भाई के पास आ गए, भाई अपनी वीडियो वगैरह भी देखते हैं। अब ये भाई ने मुझे बोला व्लॉगर भाई क्या हाल है, तो शायद आपसे पहले भी मैं मिल के गया हूँ यहाँ, ठीक है। तो भाई चलो ये देख रहे हो तिरपाल वगैरह, हमारी गाड़ी एक 6 टायर उसके लिए भी तिरपाल चाहिए और अपनी गाड़ी के लिए भी चेंज करना है, अपना बाद में लेंगे, पहले वो वाले ले लेते हैं। तो चलो तिरपाल वगैरह सेलेक्ट करते हैं। पहले एक बात सुनो ना, हमारा इंस्टाग्राम वाला एक ही सेटिंग थी, उसका नंबर भी नहीं था इंस्टाग्राम पे, वो भी गई। तो भाई पहले तिरपाल वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्राइस वगैरह थोड़ा बता दें। हेलो हाँ जी सलीम भाई, वो रगड़ा रहा है या साइड से रगड़ा रहा है? ओ यार मुंह है, क्या कर रहे हो ऐसे यार? अबे रगड़ो ना थोड़ा, लो आप रगड़ो, एक तो ये देख ले तुम्हें पकड़, रगड़ना नहीं छेद कर। ओ इसमें तो आगे से प्लेयर डालोगे क्या छेद करके? नहीं नहीं कटिंग है, फिर काट जाएगी। नहीं नहीं ओ ब्लेड रहे यार, कट जाए गारंटी है। कितने का है अगर ये कैंची है ना, देखना इसमें मैं रगड़ा हूँ। हाँ रगड़ो, नो टेंशन, कैसे भी रगड़ो, कोई टेंशन हमारी है, देख रहे हो मतलब चीज अच्छी है। बस अब प्राइस वगैरह देखते हैं, प्राइस कितने में आ रहा है, क्योंकि प्राइस वो अभी नहीं बता सकते, इनकी पर्सनल चीज है। तिरपाल वगैरह धो लिए, टाइम क्यों इतना लगा लिया? टाइम आपने लगाया, हमने लगाया टाइम। तो भाई देख रहे हो तिरपाल वगैरह तो हमें पसंद आया, अब ये कटवा रहे हैं थोड़ा, मतलब बड़ा हो जाता। ये वाला ले लिया ब्लू वाला, और सलीम भाई ने भी ब्लू वाला ले लिया, ठीक है। बाकी वो वाला ले लिया हमने जो मतलब रस्सा वगैरह था। चलो भाई इसको खींचना थोड़ा आगे नीचे से। आज क्या डेट है? नीचे वाला खींचो बस। 5 मार्च 2024 भैया, 5 मार्च 2024 से आपके ये तिरपाल लेके जा रहे हैं, ठीक है। और 5 साल की आपने गारंटी बोली, ठीक है, सुन रहे हैं ना, सारी जनता सुन रही है। और भाई जिन भाइयों के तिरपाल चाहिए ना, वो अपने भाई के पास आ जाओ। क्या शॉप का नाम है भाई अपने? इमरान भाई, गोरी ट्रेडिंग।
इमरान भाई का बोर्ड भी दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देख रहे हो भाई, ये SRF क्या ये कुछ लिखा है, हिंदी तो हमें आती नहीं है भाई। क्या मतलब अच्छा जेन्युइन रेट है, सबसे अच्छा है, मतलब काफ़ी दुकान है सबसे अच्छा है। अच्छे से फोल्ड करके देना भाई, इसके पास है ना? 10x10 है तो मैंने आपके लिए इसके लिए भी ग्राफ लिया। फाइनली भाई तरपाल वगैरह हमने ले लिया और दिखा देते हैं भाई पेन लेके आए। बहुत है यार, कितना किलो होगा? वजन चेक कर लो, वजन बहुत है यार। ऊपर से रस्सा भी दिखा देते हैं, ये वाला रस्सा लिया भाई, देख रहे हो ये वाला। अब वापस आएंगे और अपने बादशाह के लिए ये वाला रस्सा भी, और वो क्योंकि इस रस्से से ना हाथ वगैरह नहीं कटता, तो जो मैंने मेरे पास है ना, हाँ स्ट्रेचेबल है। ये छोटू भाई ने पसंद किया कि ये वाला रस्सा सही है, ठीक है? तो ये वाला रस्सा जो है ना, ये बहुत सही रस्सा लगा मुझे, क्योंकि ये ना स्ट्रेचेबल है, इसको जितना खींचोगे ना इतना ये लंबा होगा, ठीक है? टाइट भी अच्छे होते हैं ना, रखो जरा ऐसे, कल आपका थंबनेल के लिए फोटो खींच लेते ना, इधर खींचो खींचो फोटो जल्दी। चोरू को आगाह कर लिया, उठा नहीं लेना वहां से तरपाल रस्सा। फेसबुक दिखाओ तो, किसने बोला है बंद हो गया? ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है यार, चल गई। एक फोन लगाया मैंने, चलो भाई आपने रख लिया, चले हाँ। चलो चलो भाई लेट्स गो, चलो भाई मैं सो जाता हूँ, थोड़ा नींद है, ठीक है? सोएगा चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, चल आ जाओ वस्ता, अभी नहीं आगे चल। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं भाई, कंटिन्यू चल रहा हूँ। रात को ना 3 बजे छोटू भाई ने मुझे गाड़ी दे दी, उसके बाद ना मैं ही चला रहा हूँ क्योंकि मैं रात को सो गया था। गाइस अपने साथ है गाड़ी अपनी जम्मू की, और गाइस चेक कर रहे हैं भाई आज ना यहाँ गाड़ी फंस ना जाए भाई, लग रहा है। ओ चलो निकल गई, क्योंकि हम अभी पहुँचने वाले थे ढाबा वाली, और गाइस सुनने में आया कि बॉर्डर अभी भी बंद है, उसकी वजह से ना हमें फिरोजपुर से घूम के जाना पड़ता है। प्रसाद जी ने बोला कि मुझे रास्ता सारा पता है, आप बस साथ साथ चलो। तो गाइस इनके साथ साथ गाड़ी रख रहे हैं क्योंकि मैं कभी फिरोजपुर से घूम के नहीं गया। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई और आगे का सफ़र आपको दिखा। एकदम सुबह हो चुकी है भाई और अभी भी भाई यहाँ पर सोए अपने भाई, आगे के चल रहे हैं। और गाइस हम जा रहे हैं भाई अब बोर होके, ठीक है? गगन भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई दिल से सॉरी, आप बोलोगे राजा भाई यहाँ से गया एक बार फ़ोन नहीं किया। भाई देखो मैं सुबह सुबह आपको ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अभी सुबह के ना 7 बजे हैं, तो मैं सोच रहा था शायद आप सोए होंगे, क्योंकि गाड़ी चला के ना बंदा फिर जल्दी नहीं उठता, लेट ही उठता है, तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन वगैरह नहीं किया। और गाइस कंटिन्यू चल रहे हैं भाई, यहाँ सिर्फ थोड़ी सी टेंशन ये है कि गाड़ी पेड़ के साथ ना लग जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी देख रहे हो भाई, एकदम इसने ब्रेक लगवाई अपनी गाड़ी को, देख रहे हो? एक तो ओवरलोड ऊपर से और गाड़ी ना डर ले रही है बिल्कुल रोड के अंदर से, आराम से पंप से भी घूम सकता है भाई, ऐसा रिस्क मत लिया करो यार। देखो गाड़ियाँ कच्चे माल वाली गाड़ियाँ जो ना कभी कभी फास्ट वगैरह चलती हैं, तो बंदे ने ना एकदम कट मारा और एकदम अंदर घुसाने की कोशिश। 11 बज चुके हैं भाई और जीरा से पहले एक जगह आके ना रुक गए, क्योंकि मैं इस रास्ते से कभी नहीं गया। छोटू भाई ने बोला राजा भाई यहाँ ढाबा है बहुत अच्छा है, नहा धो लेते भाई, और आपको पता भी है सफ़र में ना मतलब नहाने का टाइम ही नहीं मिला भाई, तो अभी सोच रहे हैं यहाँ से नहा धो के एकदम फ्रेश होके फिर जाएंगे सीधा अपने कश्मीर के लिए। तो चलो पहले नहा धो लेते फिर यहाँ परौठा वगैरह खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। ढाबा रहा यहाँ पे भाई, देख रहे हो ये लिखा हुआ है पप्पू सिद्धू वैष्णो ढाबा, ये पप्पू के ढाबे पे आ गए हैं, ठीक है? तो चलो, तो गाइस आ चुके हैं होटल पे। और छोटे भाई क्या ऑर्डर दिया आपने? हमारा ऑर्डर लिया? हाँ। क्या लिया? परोठा। जल्दी करो, कच्चे माल वाली गाड़ी, इतना टाइम नहीं है भाई, यहाँ बैठते हैं एकदम। देख रहे हो आज ना इन बेड पे बैठने की ना कुछ अलग सी फीलिंग से, अलग से ना ऊंचे ऊंचे अच्छा लग रहा है। देख रहे हो टेबल ये फिटेड है भाई, देख रहे हो टेबल कैसे फिटेड है, क्या बात है भाई क्या बात है। वहाँ देख रहे हो सारे भी ऐसे लगे हो हमारे, मतलब जो ड्राइवर भाई है ना ऐसे, वो रेस्ट रूम उनका अंदर है, वो भी दिखाएंगे आपको। लंच किया ब्रेकफास्ट? लंच हो गया ना, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं। तो भाई देख रहे हो बेड वगैरह एक नंबर सफाई भाई के होटल की ना। तो छोटे भाई बिल वगैरह करेंगे, ठीक है छोटू मिलेंगे फिर। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं अमृतसर भाई, और अमृतसर का ना रास्ता यहाँ से अंदर चला जाता है, और हमें यहाँ से हो जाना है बाईपास, क्योंकि अमृतसर जाना नहीं, अगर अमृतसर जाते तो सीधा निकल जाते। पहले भी हम इधर से ही गए थे, जब कलकत्ता से आए थे मैं और छोटे भाई, हमने यहीं गाड़ी हाली की थी। और गाइस आपको दिखा देते अमृतसर का मेन गेट भाई, देख रहे हो एंट्री ये है अमृतसर की, यहाँ से भाई चेक कर रहे हो, और अभी ना बड़ी गाड़ी की नहीं नो एंट्री है यहाँ पर। तो चलो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, कहीं रुकेंगे J&K में जाके, लखनपुर पार करके वहाँ रुकेंगे, वहाँ गाड़ी में तेल वेल डालेंगे, फिर जाके जम्मू में रुकना, कुछ काम है भाई, उसके बाद निकल जाना सीधा श्रीनगर के लिए। बस यही दुआ करेंगे कि आज रास्ता खुला होना चाहिए, क्योंकि भाई जब कन्वाई लग जाती है ना तब बड़ी दिक्कत होती है यार। वाघा बॉर्डर मतलब पाकिस्तान की जो वाघा बॉर्डर लास्ट इंडिया पॉइंट है ना, वो सिर्फ 35 किलोमीटर है यहाँ से, देख रहे हो यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, देख रहे हो भाई ये वाली चीज़, देख रहे हो
यहाँ पे भी लिखा हुआ है वाघा बॉर्डर। अगर हम सीधा निकलेंगे ना 35 किलोमीटर के बाद ना हम पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सीधा जाएंगे तो हमें यहाँ से ले लेना है लेफ्ट टर्न और वहाँ से चढ़ जाना सीधा हाईवे पे भाई, और सीधा पठानकोट जाके उतरना है। तो चलो गाइस आप सीधा एक ही बार पठानकोट उतरेंगे और अपने J&K में एंट्री करके उसके बाद आपको दिखाएंगे J&K का सफ़र पूरा। वो एक ला पास हुआ था ना, अगर बंदा मर जाएगा तो 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा होता है। वो देख रहे हो कैंपर वाले के पीछे देख रहे हो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ होती है भाई, हालत देख रहे हो इनकी, यही चीज़ होती है भाई। देख रहे हो वो आराम से डेम्पर चल रहा है, उसके पीछे ना उसको पकड़ पकड़ के चल रहे हैं बाइक वाले। ऐसा ही अगर बाइक वाला कोई मर गया ना तो ड्राइवर बेचारा फंस जाएगा, मतलब 10 साल के लिए अंदर, और 7 लाख भी इनको फ्री का मिलेगा भाई। देखो यार ऐसा मत किया करो यार, जो बाइक वाले गाड़ियों वाले देख रहे ना, बड़ी गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता भाई, क्या से क्या हो जाए। हमारी एंट्री हो चुकी है अपने J&K में। J&K में हो गई एंट्री। आज छोटू भाई ऊपर से नहीं घुसेगा, अगर छोटू भाई होता ना सीधा निकल जाता वहाँ तक, वहाँ फिर वहाँ से बैक आता, इसलिए भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो भाई देख, महाराज ठीक ठाक हो और सब बढ़िया से, ठीक है। तो गाइस अभी देखते हैं कितना टाइम आ रहा है अब अपने पास, क्योंकि भाई अभी ना छोटू भाई आज हम अच्छे से पहुँचे ना, आराम से भाई। देखो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो टाइम यहाँ से आगे वेस्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा।